सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट एटमोस्फेरिक प्रेशर. ओके, एज वी नो दैट द लेयर ऑफ एयर बेसिकली सराउंड अस. ओके, एयर की जो लेयर होती है बेसिकली वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है और सराउंडिंग अवर अर्थ, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? एटमोस्फेयर. विच वन? इट इज नोन एज एटमोस्फेयर. मिस्टर आशुतोष, ओके, हमारे आसपास की जो एयर की लेयर होती है, ठीक है, which is surrounding our earth, we can also say that our earth basically also, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसको बेटा, which is known as the atmosphere basically, ठीक है, and the air in our atmosphere extends up to the what, that is the height of about, अगर हम एयर की बात करें तो it is about 300 kilometer, that is extend up to हाइट, ओके, जो कि हमारे अर्थ पर, ठीक है, ऊपर की तरफ ऊंचाई पर 300 किलोमीटर तक क्या है बेटा, एक्सटेंड है. एंड एयर हैज अ वेट, ये तो मैंने आपको कल बताया भी था, ठीक है, एयर का क्या होता है, वेट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट. सो वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पर, या ऑब्जेक्ट्स पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स पर क्या होता है, दैट इज प्रेशर जो होता है वो एग्जर्ट करता है, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट्स बिलो. तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द व्हाट, दैट इज एयर, तो व्हाट इज ड्यू, ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू इट्स ऑन वेट, अपने उस वेट की वजह से जो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, दिस वन इज नोन एज द एयर प्रेशर, हम उसे क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है. एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ठीक है, क्या होता है कि जब एयर जो होती है ऑब्जेक्ट्स पर जो प्रेशर एग्जर्ट करती है ड्यू टू इट्स ऑन वेट, अपने उस वेट की वजह से, जैसे मैंने बताया कि एयर का वेट होता है, ठीक है, और अपने उस वेट की वजह से जब वो ऑब्जेक्ट्स पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है, दैट इज नोन एज द एयर प्रेशर और द एटमोस्फेरिक प्रेशर, हम उसे क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो अर्थ सरफेस पर एट अ सी लेवल, अगर बात करें तो एट द सी लेवल, दैट इज द 100 kilopascal, ठीक है, 100 kilogram pascal या 100 kilopascal जो होता है वो हम कह सकते हैं, ठीक है. तो वन, अगर हम सी लेवल की बात करें, ठीक है, दैट्स वन इज व्हाट, दैट इज एट सी लेवल, ठीक है, सी लेवल पर जो व्हाट प्रेशर होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 100 kilopascal, ठीक है, और डिफरेंट हो जाता है. तो सबसे पहले यहां पर बात समझने की ये है कि डिफरेंट प्रोसेस पे, जैसे मैंने कल बताया था कि व्हेन द एयर इज व्हाट हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जब हीट होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है तब क्या होता है, तो व्हाट अबाउट air when it is heated, okay, or warm, it becomes light in weight, light in weight, okay, weight mein kya hoti hai, halki ho jati hai, or that's why it rises up, upar ki taraf uthti hai, theek hai, baat samajh aa rahi hai, heated hoti hai to wo kya hoti hai, expand hoti hai, there is expansion takes place, okay, and becomes light in weight. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर डेंसिटी जो होती है किसकी, उस एयर की, ठीक है, वो कम हो जाती है, डेंसिटी भी क्या होती है फिर, कम हो जाती है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट्स राइजेस अप. लेकिन अगर हम वही बात करते हैं एयर की व्हेन इट इज कूल्ड, जब ये कूल होती है, ठीक है, तो कूल होने पर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन होता है उसमें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, नजदीक आते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल जो होते हैं, एंड इसका मतलब क्या है कि ये हैवी हो जाती है, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या है, हैवी इन
वेट, ओके हैवी इन वेट होता है, एंड दैट्स व्हाई ये नीचे की तरफ रहती हैवी होने की वजह से क्या होती है, नीचे की तरफ रहती है, मतलब नियर द सरफेस. ओके तो यहां हमने कल बात की थी व्हाट अबाउट प्रेशर जो होता है हीट करने पर, एयर का जो वहां प्रेशर होता है इट बिकम्स लो, एयर का प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है, और व्हेन इट इज कूल्ड यहां पर एयर का प्रेशर क्या होता है हाई हो जाता है. लेकिन यहाँ फिनोमेना जो होता है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है. या हम कह सकते हैं कि व्हाट अबाउट कि जितना आप किधर जाएंगे, समुद्र तल की तरफ जाएंगे यानी टुवर्ड द सी लेवल, वेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर, एंड इफ वी गो हाई अप इन द माउंटेन, ठीक है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजिंग, वहां डिक्रीज होने लगता है बिकॉज ऑफ एयर वहां पर कम प्रेजेंट होती है. जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना 300 किलोमीटर अबव द सी लेवल से क्या है वो, क्या है ग्राउंड से वो प्रेजेंट है एयर जो है बेसिकली, लेकिन ऊंचाई पर जाते जाते एयर क्या होती है कम होती चली जाती है, ठीक है. तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं जैसे सन की बात करते हैं तो व्हाट द सन, ठीक है, जहां आपने ये पढ़ा होगा कि हमारा अर्थ जो है इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर क्या है बेटा बेसिकली टिल्ट है, ठीक है. एंड ये भी हम जानते हैं कि अर्थ की कई जगह पर रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट पड़ती है, लाइक इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अर्थ की जो रेज होती हैं सरफेस पर वो स्ट्रेट पड़ती हैं, ठीक है, और कई जगह ऐसा होता है जहां पर क्या होती है स्लेंटिंग होती है, लाइक नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, ओके. यस मैम. अब जब स्ट्रेट लाइन पड़ती है तो इसका मतलब सन की रेज का हीट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो वहां पर जो एयर होती है वो हीटेड हो जाती है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर हीटेड होती है तो इसका मतलब वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है लो. हाँ लो हो जाता है, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हुई. अब स्लेंटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं वहां पर क्या होता है दैट इज स्ट्रेट पड़ती है, इसका मतलब क्या है वहां टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज रहता है और वहां प्रेशर लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो होता है बेसिकली वो क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो वहां प्रेशर क्या होता है दैट इज सॉरी टेम्परेचर क्या होता है वहां पर, यस कम, यानी कि लो होता है, ठीक है, तो वहां प्रेशर क्या होगा हाई होगा, हाई, ठीक है, प्रेशर क्या होता है हाई होता है, हाई, बात समझ आ रही है. लेकिन ये चीज जो होती है जस्ट वाइस वर्सा अपोजिट हो जाती है, ठीक है, बात समझ आ रही है. इट मींस इफ द टेम्परेचर इज व्हाट लो द प्रेशर विल बी हाई बिकॉज ऑफ द, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं Mr. Ashutosh, you always try to. I will remove you. अब हम बात करते हैं लाइक सी लेवल्स की, ठीक है. अब सिंपली दिस वन इज द माउंटेन रीजन, ओके, एंड ये समझ लो कि यहाँ पर क्या है सी लेवल बेसिकली इज प्रेजेंट, ओके. तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा आप हमेशा याद रखिए, ठीक है, गहराई की तरफ आप जितना जाएंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है हाई हो जाता है, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ यानी ऊंचाई की तरफ जाएंगे एट अ हाइट, ठीक है, हाइट पर जैसे जैसे जाएंगे वहां पर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है कम होने लगता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है. व्हेन वी गो हाई अप on mountains the atmospheric pressure starts to decrease, ठीक है, and if we go towards the sea level, okay, atmospheric pressure what it becomes high, ठीक है. so it means क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो air के particles होते हैं, air के particles मतलब जो उसमें dust particles हैं या other water vapors हैं वहाँ क्या होते हैं that is नीचे earth यहाँ पर land के पास क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे वो अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, फिर लास्टली ऊपर जाके क्या होता है
और डिक्रीज हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो हमेशा याद रखना इसमें क्या है क्या कि व्हाट व्हेन वी गो अप, जितना ऊंचाई की तरफ जाएंगे टुवर्ड द माउंटेन रीजंस की तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा. लेकिन जैसे हम नीचे समुद्र तल की तरफ जाएंगे, सी लेवल की तरफ, वैसे वैसे वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हाई होने लगता है. ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पर जो एयर होती है वो कम प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इसलिए वहां पर प्रेशर भी क्या होता है उसका कम हो जाता है. तो ये हमेशा याद रखना कि व्हाट अबाउट द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर. ठीक है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, मूव करती है. ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज द मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड वेन वी गो एट हाई एल्टीट्यूड्स लाइक द माउंटेन्स, ठीक है, एंड देन एटमोस्फेरिक स्टार्ट टू डिक्रीज. ओके, यहाँ एक एग्जाम्पल है, वॉट अबाउट हाउ एटमोस्फेरिक प्रेशर बेसिकली वर्क्स. कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था एटमोस्फेरिक प्रेशर का, टिन कैन वाला. ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल एक आपके पास एग्जाम्पल है, लाइक इफ यू वॉट यूज द टम्बलर. ठीक है, अगर आप टम्बलर कभी भी यूज करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप माउथ पर उसको रखते हैं और जब उसको आप सक करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर की एयर जो होती है जब आप उसे सक कर लेते हैं तो वो टम्बलर जो होता है आपके माउथ पर क्या होता है, स्टिक हो जाता है. ठीक है, अटैच हो जाता है. तो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से. ओके, सो व्हाट द वैक्यूम, द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस वेयर एयर इज नॉट प्रेजेंट, एयर इज नॉट प्रेजेंट. ओके, तो वैक्यूम क्या है बेटा, वैक्यूम का मतलब क्या है कि एक ऐसा एम्प्टी स्पेस, ठीक है, जहां पर एयर जो है प्रेजेंट नहीं हो सकती, ठीक है, या नहीं होती, एंड नहीं हो सकती का कह नहीं सकते, वैसे नहीं होती है तो ज्यादा अच्छा है. एंड व्हाट वी कैन से दैट, और ठीक है, विच इज डिवाइड ऑफ मैटर. मैटर मतलब वेयर इज, मैटर इज एयर, ठीक है, डिवाइड ऑफ मैटर. या तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि वो कम प्रेजेंट हो, या ऐसा हो सकता है कि वहां पर वो मैटर एयर जो हो वो प्रेजेंट ही ना हो. ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं. ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि जब आप ग्लास जो है जब माउथ पे रखते हैं और जब उसके अंदर तो प्रेजेंट रहती है एयर, ठीक है, अगर मैं इस तरह से करूं तो इसका मतलब है एयर हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लास जब आप माउथ के पास रखते हैं और उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है जब आप सक करते हैं तो वो ग्लास आपके माउथ से स्टिक हो जाता है. क्यों, बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम क्रिएशन की वजह से. ठीक है, तो अब यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर कैसे वर्क करता है कि अंदर का जो एयर था वो तो आपने सक कर लिया, इट मीन्स वहां का प्रेशर क्या था, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो गया, जबकि बाहर वाला प्रेशर क्या था, ज्यादा था. तो उसकी वजह से क्या था, वो अटैच ही रहा उस सरफेस से. बात समझ आ रही है, तो दैट इज व्हाट दैट इज मतलब वर्किंग है कि किस तरह से वो काम करता है. एक अदर एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, लाइक अगर आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल के लिए ग्लास टम्बलर यूज कीजिए, ठीक है, पीस ऑफ क्लोथ और कार्ड या वाटर, आपको ये सब चीजें यूज करनी है. ठीक है, आप एक ग्लास टम्बलर लेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसे आप क्या करेंगे, वाटर से फिल करेंगे और उसे कवर करेंगे एक थिक पीस से. ठीक है, मान लीजिए आपने एक ग्लास टम्बलर लिया इस तरह से, ठीक है, और उसको आपने कवर कर दिया एक कार्डबोर्ड से. ठीक है, देन व्हाट इज इट, कीप द कार्ड एंड प्रेस द कार्ड. पहले आप क्या करेंगे, उस हार्ड कार्ड को आप प्रॉपर तरीके से प्रेस करेंगे. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट, ताकि उसमें क्या है, कोई एयर जो है बेसिकली वो ना जा सके. एंड कीप द कार्ड इन द पोजिशन ओके विद वन हैंड, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, उस ग्लास टम्बलर को उल्टा कर देंगे. ठीक है, तो जब हम उल्टा करेंगे उसे, इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो कार्डबोर्ड जो होगा, ठीक है, वो स्टिक हो जाए. क्यों, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर की होने की वजह से. तो सिंपल एक एग्जांपल देते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जो रबड़ के होते हैं, ठीक है, रबड़ सकर की तरह होते हैं, जिसको आप सिंपली क्या होते हैं, जब आप उसे थ्रो करते हैं ऑन एनीथिंग एल्स, एनी अदर ऑब्जेक्ट्स पर, तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है एटमोस्फेरिक प्रेशर का. ठीक है, मतलब वहां एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है बेटा, काम करता है आपका.
लगता है हाँ मैम सेम प्रेशर नहीं रहता है एटमोस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम पड़ जाता है जबकि ब्लड का जो प्रेशर होता है बॉडी का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है ब्लड में जो ब्लड प्रेशर होता है इंक्रीज हो जाता है ठीक है आर्टरीज में ठीक है वेन्स में तो इस तरह से क्या होते हैं कि जो उनकी वेसल्स होते हैं वेसल्स होते हैं वो समटाइम्स क्या होते हैं रप्चर्ड हो जाते हैं क्योंकि बॉडी का जो एक प्रेशर होता है बाहर के प्रेशर से क्या होता है वो ज्यादा हो जाता है ठीक है जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कम पड़ जाएगा ठीक है और जब कम होगा तो बॉडी का प्रेशर क्या होगा ज्यादा होने लगेगा धीरे धीरे ठीक है तो इसलिए क्या होता है कि व्हाट अबाउट जो हमारे वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स उनके जो सिंपल छोटी कैपिलरीज होती है वो रप्चर्ड हो जाती है टूट जाती है फट जाती है ठीक है और इस तरह से ब्लीडिंग जो होती है वो नोज से स्टार्ट हो जाती है बात समझ आ रही है सो व्हाट इज इट दैट इज तो इसका मतलब है एटमोस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट प्लेसेस अब मान लीजिए आप घर के बाहर है ठीक है और वहां पर आपका एटमोस्फेरिक आपके ऊपर बॉडी पर पड़ रहा है ठीक है तो क्या जब आप घर के अंदर आएंगे तो क्या वो कम हो जाएगा बताओ नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा बताओ ठीक है हाँ बोलो देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा सिर्फ हमारे सर के बल पर नहीं पड़ता है मतलब जितना एक इंचेस हम बात करते हैं ठीक है दैट इज व्हाट अबाउट हमारी बॉडी के हर सरफेसेस पर पड़ता है ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट हो एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके हर सरफेस पर जो होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है एंड इफ इट इज बैलेंस्ड अगर वो बैलेंस्ड है तो अगर हम बाहर की बात करें तो उतना ही अमाउंट ऑफ गैसेस जो होती है व्हाट वेट अपना हमारी बॉडी के ऊपर डाल रही है ठीक है और जब हम घर के अंदर आएंगे तो भी उतना ही होगा इक्वल होगा क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्लेस पर नहीं होगा छत होने की वजह से ऐसा नहीं है एयर का भी वही सेम वेट जो होगा वो हमारी बॉडी के ठीक है पूरे हिस्से पर लगेगा सिर्फ सिर पे नहीं लगेगा तो दैट मीन्स क्या है कि लेकिन हाइट की अगर हम बात करें देखिए जैसे जैसे हमने बताया था कि अगर हम हाइट ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां अब यहाँ तो लैंड की बात कर रहे हैं लैंड पर यहाँ क्या है बेसिकली सेम है ठीक है लेकिन अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पर क्या होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है लो होने लगता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वन आता है कि जैसे कि अगर हम उनकी बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स की बात करते हैं ठीक है अब एस्ट्रोनॉट्स की बात करें अर्थ से जैसे हम बाहर जाएंगे तो वहां तो एयर प्रेजेंट नहीं है एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं है ठीक है तो व्हाई दे बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई दे बेसिकली द स्पेशल जो स्पेस सूट होते हैं वो बेसिकली वो पहनते हैं ताकि वो बॉडी का जो एक पर्टिकुलर प्रेशर है बाहर और अंदर का ठीक है वो मेंटेन रहे ये चीज क्लियर हुई सो सम ऑफ द व्हाट स्पेस सूट जो होते हैं बेसिकली विच मेंटेन द व्हाट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बना के रखता है ठीक है अपनी बॉडी का उनकी अपनी बॉडी का ठीक है और जो स्पेस सूट के अंदर जो बेसिकली वो प्रेशर होता है वो ठीक है सो क्यों क्योंकि वहां पर कोई एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एटमोस्फेयर जो है बेसिकली प्रेजेंट नहीं है ठीक है ये चीज क्लियर हुई नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अबाउट एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन बताओ एटमोस्फेरिक प्रेशर जैसे मैंने अभी बताया था उस समय पहले ग्लास वाली बात दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यस दिस वन इज द ग्लास ओके यस मैम एंड when we suck the liquid with the help of straw okay jab hum liquid suck karte hain to kya hota hai kahan par pressure zyada hoga aur kahan pressure kam hoga batao mam pani mein pressure zyada lagta hai हाँ हम सीरिंज का भी एग्जांपल ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या है बेटा कि स्ट्रॉ वाले एग्जांपल की बात करें जब हम इसे सक करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है लो लो यहाँ प्रेशर क्या होता है लो हो जाता है ठीक है प्रेशर बारह बात समझ आ रही है और फिर उसके बाद जब यहाँ प्रेशर लो होता है तो दैट्स व्हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज क्रिएटेड ऑन दिस लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड ओके
अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस लिक्विड पर क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है, जब हम एयर को सफ करते हैं। ऐसे तो वो नॉर्मलाइज्ड है, ऐसे वो इक्वल है, बैलेंस्ड है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम स्ट्रॉ को उसमें रखेंगे तो वो अपने आप क्या होता है, लिक्विड नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसे सफ करते हैं तो एयर का यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ग्रेटर हो जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड को क्या करता है, पुश करता है नीचे की तरफ, और इस तरह से लिक्विड जो होता है दैट विल एंटर इनटू द स्ट्रॉ। वो किसमें एंटर करता है, स्ट्रॉ में एंटर करता है। तो ये एक एग्जांपल है किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशन का, ठीक है। और बताओ कोई एग्जांपल। मैम सी रेंज। हाँ कैसे मैम, जैसे कि उसमें ब्लड मैम, जैसे कि मैम सक करेंगे। हाँ तो सेम उसमें भी सेम है, जैसे हम उसको खींचते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, एयर जो उसमें बेसिकली जो प्रेजेंट रहती है, अगर हम बात करें इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसे तो वो सिंपली है। अब यहाँ पर जो लिक्विड्स में जिसमें वो प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर एयर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, लो प्रेशर जो होगा वो कम होगा, लेकिन यहाँ बाहर की तरफ प्रेशर क्या होगा, बेसिकली वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो लिक्विड को क्या करेगा, पुश करेगा, और जब पुश करेगा तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड दैट विल एंटर इनटू दिस सिरिंज, ठीक है। तो व्हेन अ डिप अ सिरिंज इनटू व्हाट, लिक्विड एंड पुल इट्स पिस्टन, ये पिस्टन की तरह काम करेगा उसका, ठीक है, एंड दिस वन सिरिंज गेट रिड्यूस, तो प्रेशर जो होगा उसके अंदर क्या होगा, सिरिंज में क्या होगा, प्रेशर जो होता है बेसिकली क्या होगा, कम हो जाएगा, और एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट एक्टिंग ऑन दैट लिक्विड, ठीक है, सरफेस लिक्विड के सरफेस पे वो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, क्रिएट होगा इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से लिक्विड को क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा टू एंटर इनटू दैट सिरिंज, ठीक है। ये बात चीज बात क्लियर हुई बेटा। वैक्यूम का एक एग्जांपल बताएं, तो वैक्यूम में क्या होता है कि ये आप सीन रबड़ वाले आपने देखे होंगे, सकर देखे हैं, ठीक है, रबड़ सकर जो होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम उसको क्या है थ्रो करते हैं, व्हाट, तो इट मींस क्या है कि थ्रो करने पर एयर जो उसमें प्रेजेंट होती है वो एस्केप हो जाती है, ठीक है, एस्केप हो जाती है, आउट हो जाती है, हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, आउट हो जाती है। चल रुको एक मिनट, देखो सकर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हाउ इट वर्क्स व्हेन वी थ्रो, ठीक है, जब हम उसे थ्रो करते हैं विंडो पे, जैसे मैंने सिंपली बताया कि आपने रबड़ के टॉयज देखे होंगे छोटे, जिसको हम थ्रो करने पर क्या होते हैं, इजिली वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अटैच नहीं होगा, लेकिन जैसे हम अगर इसके हिस्से पर अंदर जो एयर प्रेजेंट है अगर उसको रिमूव करते हैं दैट विल अटैच, ठीक है। तो यह सकर कैसे होता है कि जब हम उसे थ्रो करते हैं दैट मीन्स इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, एस्केप हो जाती है या फिर आउट हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ आउट हो जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, लो पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है, और इस वजह से पहले तो शुरू में तो बैलेंस रहता है जब नहीं कर, तो अब यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर होने की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर होने की वजह से, एटमोस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से दैट विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन इट एंड दैट्स व्हाई व्हाट इट रिमेन अटैच टू दैट वॉल। वो किससे अटैच रहेगा, किससे, वॉल से, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द वैक्यूम क्रिएटेड इन इट, ठीक है, उस वैक्यूम के क्रिएट होने की वजह से, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ग्लास का, इट मीन्स अगर मैं उसमें से एयर को सक कर लू दैट मीन्स क्या होगा, उस ग्लास में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो बाहर का एटमोस्फेरिक ज्यादा होगा और अंदर का एटमोस्फेरिक कम होगा, कम क्या, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो ग्लास जो है वो माउथ पर ही अटैच रहेगा, तो उसी तरह ये भी क्या होता है, सकर जो होता है दैट रिमेन अटैच टू द व्हाट, वॉल, तो उसको खींचना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हायर होता है, ठीक है, इज इट क्लियर। यस ओके, तो अगर रबर सक्शन, जैसे मैंने बताया ना रबर सक्शन पैड्स होते हैं, ठीक है, रबर सक्शन पैड्स जो होते हैं यूज ऑन द वॉल्स टू हैंग द क्लोथ्स या फिर कैलेंडर्स को, ठीक है, हैंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो व्हेन गुड क्वालिटी ऑफ रबर सेक्शन पैड इज बेसिकली प्रेशराइज, ओके, प्रेस किया जाता है, जब आपने देखा होगा उन रबर को इस तरह से प्रेस किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, इजिली क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं उन
वॉल से, ठीक है, स्मूथ प्लेन सरफेस से सक्शन पैड, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग द, उसके अंदर एयर प्रेशर क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और जब एयर प्रेशर रिड्यूस होता है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो रिमेन अटैच टू द वॉल. यहाँ पर वैक्यूम जो होता है वो बेसिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एयर जो होती प्रेजेंट रहती है वो आउट हो जाती है, ठीक है, एंड आउटर एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर एंड दैट्स व्हाई इट पुशेस द सक्शन पैड फर्मली एंड देन अटैच टू द सर्फेस ऑफ द वॉल, ठीक है, इज इट क्लियर. नेक्स्ट अगर हम बात करें एटमोस्फेरिक प्रेशर की, दैट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज बैरोमीटर. बैरोमीटर, ठीक है, तो एयर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं. ओके, दैट इज नोन एज द बैरोमीटर. ओके, और अगर हम बात करें, वी हैव मर्करी बैरोमीटर. जो मर्करी बैरोमीटर होते हैं दे आर नोन एज 14th बैरोमीटर, ठीक है, 14 बैरोमीटर. जिन बैरोमीटर्स में बेसिकली मर्करी प्रेजेंट होता है उनको 14 बैरोमीटर जो होता है, 14th बैरोमीटर जो होता है वो कहा जाता है, ठीक है. और सिंपली अगर दूसरी बात की जाए ड्राई बैरोमीटर की, जिसमें कि मर्करी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो अगर जिनमें अदर लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं या मर्करी जिनमें, या ड्राई लिक्विड जिनमें मर्करी प्रेजेंट नहीं होता, दे आर नोन एज एनीरॉयड. ओके, दैट मींस एनीरॉयड बैरोमीटर, उन्हें क्या कहते हैं, एनीरॉयड बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है. So what? Atmospheric is pressure. What? Atmospheric pressure is measured by an instrument that is known as the barometer. And if it contains the mercury, that is known as the 14 barometer. And if it does not contain the mercury or any other liquid, that is known as aneroid barometer. So these are used to measure the atmospheric pressure. Okay? जिनका इस्तेमाल जो होता है atmospheric pressure को measure करने के लिए किया जाता है.